Now, the next is how we take care for physically challenged people. Again, I am telling that physically challenged people means people who are unable to use a particular part of their body are called physically challenged or differently abled people. Means वो लोग जो अपने शरीर का कोई पार्ट प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं उनको हम लोग फिजिकली चैलेंज्ड बोलते हैं या डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहते हैं. ओके, नाउ सी, ऑलवेज हेल्प देम. इट मींस हमें ऐसे लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए. अगर वो हमसे हेल्प नहीं भी मांग रहे हैं तभी भी हमें ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए. अगर हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा पर्सन है तो हमें बिना उनकी हेल्प मांगे उनकी हेल्प करनी चाहिए. ऐसे लोगों की हेल्प करने से क्या होता है, हमें खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमें खुद को बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों की हेल्प करके. तो अगर हम ऐसे लोगों की हेल्प करेंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी और हमें उन लोगों की दुआएं भी मिलती हैं जैसे हम इन लोगों की हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, नेवर मेक फन ऑफ देम. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें कभी भी ऐसे लोगों का मजाक नहीं बनाना चाहिए. अगर हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमें कभी भी ऐसा मजाक नहीं बनाना चाहिए. हमें कभी भी उनको ये फील नहीं कराना चाहिए कि वो हमसे अलग हैं. क्यों अलग हैं? नहीं अलग हैं, वो खुद से उनका नहीं हुआ है, वो गॉड गिफ्टेड होता है. और बहुत चांसेस ऐसे होते हैं कि एक्सीडेंट में लोगों क्या होता है, कभी पैर चला गया कभी हाथ चला गया, तो वो फिजिकली चैलेंज हो जाते हैं. लेकिन फिर भी हमें कभी भी ऐसे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. क्यों? क्योंकि उन्हें दुख होता है कि वो खुद से अपना काम नहीं कर सकते, वो उनको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है. तो अगर हम हेल्प कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम हेल्प नहीं कर रहे हैं तो हम मजाक नहीं बना सकते हैं किसी का भी. ओके, नेक्स्ट, नेवर लेट देम फील डिप्रेस्ड. मीन्स हमें कभी भी उनको ऐसा फील नहीं कराना चाहिए कि वो हमसे अलग हैं, या उन्हें इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि वो हमसे अलग हैं. नहीं, हमें उनको हमेशा हैप्पी रखना है, उनको हमेशा हमें इनकरेज करना है कि कोई बात नहीं, आप में और हम में कोई अंतर नहीं है. ठीक है, आप व्हील चेयर पर बैठे हो फिर भी आप अपना सब काम कर ले रहे हो. हमें ऐसा उनको फील कराना है कि आप स्पेशल हो. आप डिप्रेस्ड फील मत करो ये सब सोच के, ये सब मत सोचो कि आप हमसे अलग हो, आप अपना काम खुद नहीं कर सकते हो. नहीं, हमें उनको ऐसा फील नहीं कराना है, हमें हमेशा उनको हैप्पी रखना है, खुश रखना है. क्योंकि अगर वो खुश रहेंगे तो उन्हें देखकर हम भी खुश रहेंगे. और हमेशा ये बात ध्यान में रखें कि हमें ऐसे लोगों की हमेशा हेल्प करनी है, कभी भी हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना है कि वो ये सोचें कि नहीं हम ऐसे हैं, या फिर उनको ऐसा लगे वो हमसे दूर रहें, वो घर में फैमिली में लोगों से दूर रहें, क्यों वो ऐसा फील कर रहे हैं कि वो हमारे जैसा नहीं. नहीं, उनको हम जहाँ भी रहें उनको हम फैमिली मेंबर के साथ रहें, पूरी फैमिली उनको सपोर्ट करे, पूरी फैमिली उनको हेल्प करे. तो जब ऐसा उनके साथ होगा ना तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, वो भी हैप्पी फील करेंगे, फिर उन्हें अपना जैसा लगेगा. तो हमें क्या करना है, ऐसे इनकी हेल्प करनी है, उनको ये फील नहीं होने देना है कि नहीं वो हमसे अलग हैं. और उनको जो भी ज़रूरत है वो हमें उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है. हमें ये नहीं देखना है कि वो हमें बुलाएंगे कि आओ हमें ये पानी दे दो या हमें यहाँ ले चलो. नहीं, हमें उनकी केयर करनी है तो हमें उनके पास रहना है, उनसे हमें पूछते रहना है ताकि उनको ये फील ना हो कि हम बुलाते हैं तब हमारी हेल्प के लिए कोई आता है. हमें उनको ऐसा फील नहीं कराना है, हम हमेशा उनके पास रहें, उनसे पूछते रहें. ओके, या घर में ही नहीं, अगर हम बाहर भी किसी को देखते हैं कि कोई रोड साइड पे खड़ा है, कोई व्हील चेयर पे बैठा है, वो नहीं रोड क्रॉस कर पा रहा है, या वो नहीं कहीं जा पा रहा है, या उसे पानी लेना नहीं कर पा रहा है, तो हमें ऐसे भी लोगों की हेल्प करनी चाहिए. सिर्फ घर में ही नहीं, हमें बाहर भी ऐसे लोगों की केयर करनी चाहिए और उनको हमें हैप्पी फील कराना चाहिए. ओके,